हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके टीएमए के बारे में, यानी टीएमए से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के ज़रिए आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएं। तो यहाँ पर मैंने सारे डाउट्स आपके लिख लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीएमए कैसे बनाने हैं, टीएमए होते क्या हैं, बहुत से बच्चे को तो यही नहीं पता, कौन से पेन और पेजेस का इस्तेमाल करना है, डेकोरेट करना है या नहीं, फ़ाइल में लेना है उनको या फ़ाइल लगानी है नहीं, और अपलोड कैसे करना है। और एक सवाल ये भी है कि हम टीएमए बना तो लेंगे, लेकिन टीएमए बनाने के लिए हमें जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे। तो ये सारे डाउट्स आपके सॉल्व करने बहुत ज़रूरी हैं। ये टीएमए कैसे अपलोड करने हैं ये तो मैं आपको बताऊंगी ही। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपको डेमो टीएमए दिखाने वाली हूँ, यानी टीएमए पहले से बना हुआ जो आपका है, और उसमें उस बच्चे को बहुत ही अच्छे नंबर मिले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टीएमए आखिर क्या होते हैं। टीएमए बेसिकली, इनका फुल फॉर्म अगर हम जाने तो इसका मतलब है ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट। ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट आप समझ पा रहे हैं, यानी ये आपके एक असाइनमेंट होते हैं जो भी आपके दिए जाते हैं ना इसके द्वारा, और ये आपके एक्स्ट्रा मार्क्स कैरी करते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसमें सभी में टीएमए होते हैं, ठीक है। सभी में टीएमए इसीलिए होते हैं ताकि कोई बच्चा कहीं एट लास्ट आपका जब रिज़ल्ट आता है कोई बच्चा रह जाए तो उसको वहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स टीएमए के दे दिए जाए ताकि वो पास हो जाए। टीएमए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, टीएमए जो होते हैं वो सभी सब्जेक्ट्स में होते हैं, लेकिन जो आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल होती है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स में ही अलॉट हो रखी है। जैसे कि होम साइंस की प्रैक्टिकल फ़ाइल बनती है, पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस की बनती है, लेकिन टीएमए जो है वो हर सब्जेक्ट्स की बनती है, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो आपके इंग्लिश में प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनती है, लेकिन इंग्लिश में टीएमए ज़रूर बनता है। तो ये आपकी डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि टीएमए क्या होते हैं और टीएमए की क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए। अब बात करते हैं कैसे बनाने हैं, कौन से पेन यूज़ करने हैं, कौन से पेजेस का इस्तेमाल करना है। तो टीएमए बनाने के लिए मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि टीएमए बनाने के लिए आपको प्रैक्टिकल पेजेस का इस्तेमाल करना होता है। अब मैं आपको पेजेस भी दिखाऊंगी कौन से यूज़ करने हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पहले आप मेरी बात पूरी सुनिए। प्रैक्टिकल पेजेस का इस्तेमाल करना होता है, पेन आपको इस्तेमाल करने होते हैं ब्लू या ब्लैक, ठीक है। ब्लू या ब्लैक, यहाँ पर मैं आपको ध्यान से ये बात सुनिएगा, प्लीज़ आप कोई भी बच्चा ग्रीन या रेड पेन का इस्तेमाल मत करिएगा। चाहे आप हेडिंग में कर रहे हैं, चाहे आप कहीं भी कर रहे हैं, पूरे टीएमए में आपको ग्रीन और रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है या फिर ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। ब्लू पेन से आप अपने आंसर्स लिखेंगे और ब्लैक पेन से आप अपने क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन आंसर के मतलब ये जो क्वेश्चन हैं वो कहाँ से मिलते हैं, आंसर कहाँ से मिलते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगी। अब बात अगर हम करें तो डेकोरेट करना है या नहीं, देखो डेकोरेट करने से टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक आपके असाइनमेंट है जो कि आपको समय से पूरे करके सबमिट करवाने हैं और इसके आपको मार्क्स दिए जाएंगे। डेकोरेट करके आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, डेकोरेट नहीं करेंगे तो भी आपको सेम मार्क्स मिलेंगे और करेंगे तो भी सेम मार्क्स मिलेंगे। टीचर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके आंसर्स की क्वालिटी देखेगा, आपके पेपर की क्वालिटी या फिर आपने कितना डेकोरेट किया है ये नहीं देखता टीचर, ठीक है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। फ़ाइल लेनी है या नहीं, यहाँ पर अगर मैं एक बात बताऊँ तो पहले आपके जो टीएमए होते थे, यानी पहले जो जमा होते थे 2020 से पहले या 2021 से पहले, वो सारे टीएमए ऑफलाइन जमा होते थे। ऑफलाइन का मतलब ये है कि वो टीएमए आपको स्टडी सेंटर पे जाकर तब आपको जमा करवाने होते थे, और अब जो टीएमए जमा होते हैं वो सारे आपके ऑनलाइन टीएमए जमा होते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको फ़ोटो खींचनी है, उसके बाद अपने पेजेस की फ़ोटो खींच के आपको अपने पोर्टल पर अपलोड कर देना है। तो इसमें फ़ाइल लेने की तो कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि फ़ाइल की आपको फ़ोटो खींच के नहीं भेजनी, आपको सिर्फ और सिर्फ पेज की फ़ोटो खींच के अपने पीडीएफ बना के फिर अपने पोर्टल पे अपलोड करनी है। हाउ टू अपलोड की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा किस तरीके से अपलोड करनी है, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब हम डेमो की बात कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से, मैं आपको टीएमए का डेमो दिखाने वाली हूँ, तो किस तरीके का आपका टीएमए रहता है। तो यहाँ पर ये देखिए,
ये आपका एक टीएमए है जो कि एक बच्चे ने बनाया हुआ है, ठीक है। सेम इसी तरीके के पेजेस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर गौर देने वाली बात ये है कि इसने ना तो कुछ ज़्यादा हेडिंग लिखी है, ना ही इसने कुछ इतना सजाया है, सिर्फ़ और सिर्फ इसने ये कोशिश करी है कि इसकी हैंडराइटिंग थोड़ी सही लगे। ये ही चीज़ आपको अपने टीएमए में करनी है। और सभी आपको क्वेश्चन के बारे में बच्चे पूछते हैं, क्वेश्चन आपको लिखने हैं, इसके साथ साथ सिर्फ क्वेश्चन में फर्स्ट आपने क्वेश्चन लिखा, उसके बाद उसका क पार्ट, सिर्फ एक पार्ट इसने यहाँ पर चूज़ करके लिखा है। बहुत से बच्चे दोनों पार्ट चूज़ कर लेते हैं, दोनों का आंसर नहीं करना है। कोई एक क्वेश्चन में लिखा है ना, कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, तो एक प्रश्न आपको लिखना है, फिर उसका आंसर एक लाइन यहाँ पर ज़रूर छोड़िएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे टीचर को दिखने में खुला खुला लगता है और इम्पैक्ट भी उस पर अच्छा पड़ता है कि हाँ मतलब बच्चे ने अच्छा लिखा है। तो अगर आप एक लाइन नहीं छोड़ेंगे तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा, मर्ज हो जाएगा एक दूसरे में, तो वो अच्छा नहीं लगेगा और मार्क्स भी आपको फिर अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के पेजेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपको पेजेस कौन से लेने हैं, ये वाला एक टीएमए है, ठीक है, और एक टीएमए इसी बच्चे का ये है, ये देखिए इसी बच्चे का एक टीएम में ये है पोल साइंस का। इसने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, पॉलिटिकल साइंस लिख दिया, 317 लिख दिया, इसके बाद अपना रोल नंबर लिख दिया, फिर लिखना स्टार्ट कर दिया। यही टीएम में आपको भी बनाना है और आपको भी मार्क्स इसी तरीके से मिल जाएंगे। अगर आपको हेडिंग ऊपर बहुत अच्छी लिखनी है तो वो आप डेकोरेट उतना कर सकते हैं, बाकी नीचे आपको कुछ भी डेकोरेट नहीं करना। बहुत से बच्चे जो है पेजेस बोलते हैं कि हमें क्या मैम ये वाले पेजेस जो आते हैं, ये पेजेस जो बच्चों के आते हैं ये ले सकते हैं नहीं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आप ये पेजेस लेंगे तो आपके पैसे भी बर्बाद। मैं सजेस्ट करूँगी ये वाले पेजेस लेने के लिए। देखो इसमें दो तरीके के पेजेस आते हैं, ये प्रैक्टिकल पेजेस ही हैं और साइज़ बिल्कुल यही लेना है। एक पेजेस देखो ये होते हैं, इसमें एक साइड लाइन वाले पेज है और एक साइड आपका जो है इस तरीके से पेज है जो कि ब्लैंक है। आप ये वाले पेजेस लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आप लिख सकते हैं, उसके बाद इसको आपको खाली छोड़ना पड़ेगा, फिर अगले पेज पे आपको लिखना है। देखो ठीक है, ये इस तरीके से आपको लिखना है, ये पूरा इस तरीके का पेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ये वाले पेजेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेजेस भी सेम है लेकिन इसमें दोनों साइड लाइन वाले पेजेस होते हैं, ठीक है। देखो एक साइड इसमें है और दूसरी साइड इसमें ब्लैंक नहीं है, दूसरी साइड भी इसमें लाइन वाली है, तो ये वाले पेजेस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब आप बोलोगे इसमें तो मैंने पूरा का पूरा जो है पूरा ब्लू पेन से लिखा है, तो ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप स्कैन करते हैं ना, स्कैन करते समय आपका पूरा का पूरा ब्लैक ही इंक में दिखेगा, तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन आप अगर बहुत अच्छे से अपना टीएमए बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन जो है वो है ब्लैक से लिखिए और आंसर अपना ब्लू पेन से लिखिएगा। ये पेजेस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें दोनों साइड जो है लाइंस रहती हैं, ठीक है। ये मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा, दोनों साइड लाइन वाला पेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक साइड ब्लैंक और एक साइड लाइन वाला, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी इनमें से ले सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो खींच के अपनी अपलोड करनी है। लेकिन एक बात, एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी, अपनी हैंडराइटिंग को बहुत अच्छा रखिएगा, क्योंकि हैंडराइटिंग के आपको मार्क्स मिलेंगे। और इसके साथ साथ हैंडराइटिंग से पहले जो आपको सही और क्वालिटी वाइज रखना है वो है आपका आंसर। अब आंसर कहाँ से मिलेंगे, आंसर आपको हमारे इस चैनल पर सभी टीएमएस के मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर टीएमए की सीरीज़ चल रही है, वो सीरीज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, 10th क्लास के टीएमए चाहिए या 12th के चाहिए, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, कोई भी मीडियम के आपको टीएमए यहाँ पर मिल जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने आपको बता दिया है इस तरीके के। अच्छा एक डाउट और आता है कि हमें जेल पेन का इस्तेमाल करना है या बॉल पेन का, तो आप जेल और बॉल कोई भी पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्लू और ब्लैक होना चाहिए। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप बॉल पेन का इस्तेमाल करिए, क्योंकि बॉल पेन फैलता नहीं है, जेल पेन जल्दी फैल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो ये पेन आते हैं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है कौन से आपको पेन इस्तेमाल। तो ये थी पूरी आपकी वीडियो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।